साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एनसीबी के मुंबई जोन के हेड समीर वानखेड़े के लिए पिछले करीब 2 से 2.5 महीने बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। जब से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया तब से ही लगातार समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थी और हालात ये तक हो गए कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को हाथ धोकर समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए और एक के बाद एक दावे कर डाले, खुलासे कर डाले। यही नहीं, कंडीशन यहां तक आ गई कि समीर और नवाब मलिक के बीच सीधी जंग छिड़ गई। मगर इसी जंग का पटाक्षेप अब होने वाला है। जी हां, अब पता चलने वाला है कि आखिर कौन जीता कौन हारा। काउंटडाउन शुरू हो गया है, बस फैसला आने ही वाला है। तो क्या है पूरा मामला, किस नियम से होगी हार और जीत, किसका पलड़ा दिख रहा है भारी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आप किसकी तरफ हैं, कमेंट जरूर करें। तो समीर वानखेड़े पिछले करीब 2 महीने से साइडलाइंड हैं। उनके बड़े बड़े केस वापस ले लिए गए। दिल्ली से एनसीबी की टीम स्पेशल वाली मुंबई पहुंची और आर्यन जैसे बड़े केस के साथ ही कई केसों की जांच वो कर रही है। समीर वानखेड़े जो कि हर 2 या फिर 3 दिन में नया धमाका करते, नई रेड करते और नई गिरफ्तारी करते, वो भी 2-3 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 महीने से खामोश बैठे हैं। और इसकी वजह है नवाब मलिक के वो आरोप जो कि मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर लगाए और समीर पर सवाल उठा दिए। हालात ये हो गए कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। समीर वानखेड़े के पिता तो नवाब मलिक को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए और दोनों की लड़ाई चरम पर पहुंच गई। अब इसी लड़ाई का आखिरी दिन आखिरी घंटा सामने नजर आ रहा है क्योंकि इस लड़ाई का फाइनल फैसला होने वाला है। असल में 14 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन समीर वानखेड़े को मुंबई जाति जांच समिति के सामने पेश होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी इसलिए क्योंकि समीर वानखेड़े की जाति को लेकर ही सवाल और बवाल था और जाति पर ही समीर की नौकरी भी टिकी हुई है, जाति पर ही नवाब मलिक के आरोप भी टिके हुए हैं। इसीलिए ये पेशी और ये सुनवाई बेहद अहम और बड़ी है। महाराष्ट्र भीम आर्मी के अध्यक्ष अशोक कांबले की शिकायत पर समीर वानखेड़े को जाति जांच समिति ने तलब किया है और उसकी तारीख 14 दिसंबर तय की गई है। और जांच समिति के सामने समीर वानखेड़े को अपनी जाति को लेकर सर्टिफिकेट्स देने होंगे, अपनी जाति को लेकर फैक्ट्स और कागजात देने होंगे और साथ ही साथ अपने पक्ष में मजबूत सबूत देने होंगे, जाति प्रमाण पत्र की सच्चाई बतानी होगी। और समीर वानखेड़े को इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिली थी, इसीलिए इसका सच होना जरूरी है क्योंकि ये अगर गलत हुआ तो समीर की नौकरी तुरंत ही चली जा सकती है। पहले नवाब मलिक ने आरोप लगाया था, फिर कामले ने भी आरोप लगाया कि समीर ने गलत तरीके से महार जाति का सर्टिफिकेट बनवाया और फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाली। नवाब मलिक ने तो यहाँ तक कहा कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है तो फिर उन्होंने एससी के कोटे से कैसे नौकरी ले ली, इसीलिए उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए और नवाब मलिक के सारे आरोप इसी दलील पर टिके हुए। अब जाति जांच समिति को समीर वानखेड़े के दस्तावेजों को देखना है, प्रूफ करना है, तय करना है कि समीर वानखेड़े ठीक कह रहे हैं या फिर गलत, वानखेड़े के दस्तावेज सही है या फिर गलत, क्योंकि ये सुनवाई बेहद अहम है, बेहद जरूरी है क्योंकि इस सुनवाई में अगर जांच समिति ने समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी तो ये समीर वानखेड़े के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। समीर वानखेड़े इसमें विनर के तौर पर सामने आएंगे, इस कंडीशन में नवाब मलिक की हार होगी। और वहीं अगर समीर वानखेड़े के दस्तावेजों को गलत ठहरा दिया जाता है, समीर के दस्तावेज झूठे निकलते हैं तो फिर मामला समीर के खिलाफ जा सकता है, समीर को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है जो कि नवाब मलिक की बड़ी जीत होगी, नवाब मलिक के आरोप अगर सही साबित हो जाएंगे तो। हालांकि यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है कि यूपीएससी से समीर वानखेड़े को नौकरी मिली है और यूपीएससी बिना किसी जांच के बिना किसी गहन जांच के ऐसे ही किसी को नौकरी नहीं दे देती और इसीलिए मामला थोड़ा सा समीर वानखेड़े के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई और सुनवाई आज बेहद जरूरी है, अहम है, इसीलिए इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, किसकी होगी जीत, कौन पीछे खींचेगा कदम, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आर्यन खान केस में जबरदस्त बवाल हुआ था, आर्यन को करीब महीना भर जेल में रहना पड़ा था और उस दौरान ये भी लगने लगा था कि अब बॉलीवुड का कोई भी रगी बचेगा नहीं और समीर वानखेड़े का अंदाज ही कुछ ऐसा था। मगर उसी दौरान नवाब मलिक ने एक के बाद एक बातें समीर वानखेड़े को लेकर कही, एक के बाद एक दावे, एक के बाद एक खुलासों का दावा किया। करीब महीने भर बाद आर्यन को भी जमानत मिल गई और आर्यन को कई लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला।
अब जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के दावे किए तो कई लोग नवाब मलिक के भी समर्थन में खुलकर आ गए और समीर वानखेड़े पर कई तरह की बातें की गई, खुलासा किया गया और तब लगा कि आर्यन खान केस की तरह समीर वानखेड़े का करियर, समीर की नौकरी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ चुकी है। जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत हुई नवाब मलिक की माफी के साथ। नवाब मलिक ने मुंबई हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी और वो भी समीर वानखेड़े के केस में। जी हाँ, हलफनामा यानी कि एफिडेविट देकर नवाब मलिक ने माफी मांगी और आगे से समीर वानखेड़े को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करने की बात कही। और ये पूरा अपडेट हमने आपको बताया भी था, मगर अब इससे भी आगे की खबर है, इससे भी बड़ा अपडेट है और वो ये है कि इसके बाद पूरा केस पलट गया है। जी हाँ, इसी माफी के बाद पूरा केस पलटता हुआ दिख रहा है। हालात यह है कि नवाब मलिक को सभी लोगों ने अकेला छोड़ दिया है और नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि उनके आसपास के लोग, उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे अब, लेकिन नवाब मलिक खुद ही माफी मांग रहे हैं, तो फिर नवाब के उन सबूतों, उन गवाहों की कितनी सच्चाई होगी अंदाजा लगाया जा सकता है और उन पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। गंभीर सवाल इसे लेकर भी खड़े हो गए हैं कि आखिर नवाब मलिक को जब माफी ही मांगनी थी तो फिर सबूत और गवाह क्यों सामने दिखाए गए, क्यों उन बातों को लेकर कहा गया कि समीर वानखेड़े का खेल खत्म हो गया, क्योंकि जब उन बातों में, उन गवाहों में, उन सबूतों में सच्चाई ही नहीं थी, नवाब मलिक को माफी ही मांगनी थी तो फिर ऐसा किया क्यों गया। हालात ये थे कि कई लोग नवाब मलिक के समर्थन में आ गए तो एनसीबी के टॉप ऑफिशियल्स ने भी समीर वानखेड़े को जांच से हटा दिया, लेकिन अब यहां पर पूरा मामला उल्टा होने वाला है। जी हां, नवाब मलिक खुद पीछे हटे तो नवाब मलिक को समर्थन करने वाले लोग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे लोग कहीं जैसे छुप गए हो। हालात यह है कि एनसीबी भी खुद हैरान है कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया और क्या हो गया। कल तक समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक अचानक चुप क्यों हो गए और कैसे हो गए, और क्या वाकई उन सबूतों, गवाहों में कोई सच्चाई नहीं, क्या बिना बात के, बिना सबूत के समीर वानखेड़े को लपेटा गया। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर समीर वानखेड़े गलत नहीं थे तो फिर समीर की कार्रवाइयां भी गलत नहीं होंगी। आर्यन खान केस को लेकर हुई, आर्यन को लेकर हुई कार्रवाई भी पूरी तरह से ठीक होगी, आर्यन खान केस भी पूरी तरह से ठीक होगा और समीर की जांच का तरीका, जांच का अंदाज भी पूरी तरह से ठीक ही होगा, जो कि अब साफ साफ दिख भी रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत जल्द एनसीबी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है कि समीर वानखेड़े को फिर से आर्यन खान केस दिया जा सकता है। जी हां, न सिर्फ आर्यन खान केस बल्कि बाकी के अन्य केस भी एक बार फिर से समीर वानखेड़े को ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं और समीर वानखेड़े एक बार फिर पहले से ज्यादा ताकतवर यहां पर हो सकते हैं। कई सारी शक्तियां समीर वानखेड़े को यहां पर मिल सकती हैं, कई गुना ज्यादा ताकत उन्हें मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद अगर नवाब मलिक के पास कुछ नहीं है, उनके सबूतों, गवाहों में दम नहीं है, तो फिर तो समीर वानखेड़े पूरी तरह से बड़ी स्ट्राइक करने को भी तैयार होंगे। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक का माफी मांगना इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्या आर्यन खान की मुश्किल फिर से बढ़ेगी और क्या समीर वानखेड़े फिर से ताकतवर होंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।